अपना टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। तो इसको देखते हैं थोड़ा सा क्या चीज होती है ये और कैसे अपने काम आएगा। तो वो ये कहता है कि आप कैपेसिटर है अपने पास, वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पहले की तरह। एक प्लेट पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट पे जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर अपना नेगेटिव चार्ज। कैपेसिटर के अंदर बढ़िया से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई हुई थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड थी अपनी पॉजिटिव से नेगेटिव, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड थी इसके अंदर। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को अभी अज्यूम कर लेते हैं ई नॉट, क्योंकि कैपेसिटर खाली है अभी। तो जो फील्ड है अपनी उसको हम मान के चलते हैं कि वो है अपनी ई नॉट। अब हमने क्या करा, यहाँ पे जो है एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया। डाइइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब एक अपना इंसुलेटर। तो आपको मालूम ही है ये जैसे पॉजिटिव चार्ज है, तो इंसुलेटर की जो ये वाली साइड है इस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज है, इंसुलेटर की इस वाली साइड पे अपना पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो अभी इसको जो मैं हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अपने को नया डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो जो अपना डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है, नीचे लिख देते हैं, ये अपना डाइइलेक्ट्रिक है। डाइइलेक्ट्रिक के अंदर क्या गेम चल रहा है, ये वाली साइड जो है वो नेगेटिव आ जाएगा इंडक्शन की वजह से। डेरिवेशन नहीं है, बस टॉपिक है समझना है। डेरिवेशन इसके बाद आएगी, इसको यूज करेंगे डेरिवेशन के अंदर हम लोग इस चीज को। और इधर जो नेगेटिव चार्ज था उसकी वजह से यहाँ आ जाएगा अपना पॉजिटिव चार्ज, इंड्यूस हो जाएगा बेसिकली, या बोल सकते हैं आप पोलराइज हो जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो डाइइलेक्ट्रिक है इसके अंदर बड़ी तगड़ी गेम स्टार्ट हो गई। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो गई इस तरफ ऐसे, इसको हम मान लेते हैं ईपी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस। पहले थी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन क्योंकि चार्ज पोलराइज हो गए उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेटअप हो गई है। अब देखो यहाँ पे गेम क्या है, एक अपनी फील्ड है ई नॉट। ई नॉट ऑब्वियस है ईपी से स्ट्रोंग होगी, क्योंकि ओरिजिनल फील्ड है ये, इसकी वजह से ये आई है इंडक्शन की वजह से। जो अपना डाइइलेक्ट्रिक है इसके अंदर दो फील्ड मिलेंगी आपको, एक तो अपनी ईपी जो लेफ्ट हैंड साइड आ रही है, एक अपनी ये ई नॉट जो राइट हैंड साइड जा रही है, ये वाली फील्ड इसको पार करते हुए जाएगी। तो वो मैंने थोड़ा सा मिटा दिया ताकि समझने में आसानी हो। तो जो अपना ये डाइइलेक्ट्रिक है इसके अंदर नेट फील्ड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी अपनी ई नॉट माइनस ई पी। ऐसा क्यों करा है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है वो ई नॉट है, ई नॉट ओरिजिनल फील्ड है, उसकी वजह से जो फील्ड डेवलप हुई है वो है अपनी ई पी। तो ये आ गई अपनी, जिसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जो डाइइलेक्ट्रिक है उसके अंदर। हाँ, क्योंकि वो तो हमने लगाई हुई है ना स्ट्रॉन्ग, देखो स्ट्रॉन्ग वाली की वजह से यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो रहे हैं। और ये भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जरा से रीजन में है, ये आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, ऊपर से इंसुलेटर है ये डाइइलेक्ट्रिक, हम समझते ही हैं। तो उस पर जो चार्जेस इंड्यूस होंगे वो इतने ज्यादा नहीं होंगे, चार्जेस जो है वो कम ही इंड्यूस हो पाएंगे। वो डाइइलेक्ट्रिक वाली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होंगी तो वो कंडक्टर बनेगा थोड़ा बहुत, और उस पर चार्जेस आएंगे तो इधर उधर सेपरेट होंगे, उसके बाद इसके अंदर फील्ड बनना स्टार्ट होगी। तो ये जो ईपी की वैल्यू होती है ना काफी कम होती है ई नॉट के कंपैरिजन में, काफी कम, बट उसको नेगलेक्ट नहीं करते क्योंकि उससे बहुत सारे जो है
रिलेशन चेंज हो जाते हैं अपने कैपेसिटर के। इसके बाद यहाँ देखते हैं जरा, ये अंदर फील्ड बन गई E नॉट माइनस ई पी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसके अंदर फील्ड मेरी होती है E नॉट माइनस ई पी। यहाँ पे E नॉट है वो ओरिजिनल फील्ड है जिसकी वजह से ये ई पी बन रही है। E नॉट की वजह से चार्ज इंड्यूस हो रहे हैं और उसकी वजह से ई पी सेटअप, ये ई पी सेटअप हो रहा है अपना अपोजिट डायरेक्शन में। अगर अब E नॉट को ये हटा देते हैं तो ये भी गायब हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे जो है डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन करने का एक नया तरीका आया। सबसे पहले हमने डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन करा था K को ई मीडियम डिवाइड बाय ई नॉट। उसके बाद जो है हमने डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन करा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है जिसपे वो जो है कांस्टेंट बन जाता है आपका कंडक्टर बन जाता है इंसुलेटर। अब ये तीसरा तरीका सेम चीज को डिफाइन करने का, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है आपका ओरिजिनल फील्ड। ओरिजिनल फील्ड क्या है अपनी ई नॉट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अपनी E नॉट माइनस EP। तो ये तीसरा तरीका है K को डिफाइन करने का। एप्लीकेशन क्या है उसके हिसाब से आप K को यूज करोगे। तो कैपेसिटर के अंदर जो है हम K को यूज करेंगे इस तरीके से कि ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी डाइलेक्ट्रिक। तो इस तरीके से यूज करना है आपको। अब यहाँ से देखो एक इम्पॉर्टेंट जो रिलेशन है अपने काम का वो ये है कि अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ E नॉट माइनस ई पी की जिसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी डेरिवेशन करते टाइम, तो E नॉट माइनस ई पी इसकी वैल्यू हो जाएगी अपनी E नॉट बाय ये नेट फील्ड है इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जो है वो थोड़ी सी जगह में ही है ना, बाकी तो अपना खाली है। तो इसको नोट कर लो जरा, इसके बाद अपनी डेरिवेशन है। हाँ देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ना ये सिर्फ कैपेसिटर में है, ये जो अभी हमने लिखा है उससे पहले जो है यही वाला यूज करते हैं हर जगह पे, तो सिंपल ही है। कैपेसिटर में आपको ये वाला यूज करना है, वो भी सिर्फ एक डेरिवेशन में यूज होगा ये। डेरिवेशन के बाद अपने पास एक रिजल्ट आ जाएगा जहाँ पे कोई लेना देना नहीं होगा इस फॉर्मूले का, हम सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे। वहां पे सिर्फ के आएगा, तो के तो हम जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू आपको गिवन होती है हमेशा क्वेश्चन के अंदर कि जो मीडियम है उसका कॉन्स्टेंट, कभी वाटर है जैसे उसके लिए 80 होता है, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग फिक्स है ये वैल्यू। तो इसको नोट कर लो, इसके बाद जो है एक डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन इम्पोर्टेंट तो नहीं है वो, बट एक दो बार ही आई हुई है बोर्ड के अंदर 3 नंबर में, तो कर ही लेते हैं, कहता था मुश्किल है भी नहीं। तो देखो जो डेरिवेशन है वो है कि आपके पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पहले उसके अंदर था वैक्यूम, और फिर आपने क्या करा उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया जिसकी थिकनेस थी टी। वो बोलेगा कि जैसे ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसकी थिकनेस है टी, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद उसकी कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा हमें ये बताना है। पूरे कैपेसिटर को फिल नहीं कराए, कुछ पार्ट को फिल कराए। पूरे को फिल करते तो सीधा मैंने लास्ट टाइम लिखवाया था कि कैपेसिटेंस जो है वो के टाइम्स हो जाती है, बट यहाँ पे पूरे को फिल नहीं कर रहे हैं, अगेन कुछ पार्ट को ही कर रहे हैं, तो चेंजेस आएंगे उसके हिसाब से। अब वो देखते हैं कि चेंजेस क्या आएंगे। देखो जिस तरीके से हमने कैपेसिटर की डेरिवेशन करी थी उसी तरीके से इसकी डेरिवेशन करेंगे और रिजल्ट जो अपने पास आ जाएगा सीधा का सीधा। तो स्टार्ट करते हैं उसको, 3 नंबर के लिए आता है, 4-5 साल पहले आया होगा बोर्ड में, इतना फेमस है नहीं वो, बट आ जाता है। न्यूमेरिकल उस पर नहीं आते, वो पे टेंशन रहना आप लोग।
तो सबसे पहले हम कैपेसिटर बनाएंगे, देन जो उसके रामायण देखेंगे। हाँ और ये लगा लो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो सबसे डिफिकल्ट ही है पूरी बुक के अंदर, बाकी सारे यूनिट जो है इससे आसान है। अब वो अरे नहीं है यार इतना मुश्किल, इसके जितना नहीं है। अभी देखो हम क्या कहते हैं कि अपने पास एक कैपेसिटर था जिसमें पहले वैक्यूम था, कोई यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट नहीं किया गया था। इधर अपना पॉजिटिव चार्ज था हर बार की तरह, और दूसरी तरफ अपना नेगेटिव चार्ज था। इलेक्ट्रिक फील्ड मस्त सेटअप थी इसके अंदर, ई नॉट जो है वो सेटअप हो रखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो सबसे पहले मैं आपसे अगर पूछूं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है? हम ये बात जानते हैं कैपेसिटर की प्लेट के बीच के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, आपको अगर याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर वो होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर ये तब है जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है, इनसाइड द कैपेसिटर जिसको मैं ई नॉट से डिनोट करवा रहा हूँ वो उसकी वैल्यू थी मेरी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर हमें याद हो जो ये सिग्मा होता है, सिग्मा को हम कैलकुलेट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो वो होता है अपना चार्ज अपॉन एरिया ऑफ सरफेस, तो यानी कि प्लेट, क्योंकि कैपेसिटर में जो है वो प्लेट यूज होती है। और ये माइक्रोफोन बंद कर लो इसका हो देना। तो देखो यहाँ पे जो है हम लिखेंगे कि जो अपना सिग्मा है यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसका जो फॉर्मूला है सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम सिग्मा से डिनोट करवाते हैं, ये होता है अपना टोटल चार्ज जो कि हम क्यू मान के चलते हैं, और एरिया ऑफ सरफेस। तो जब हमने कैपेसिटर की डेरिवेशन करी थी तो मैंने आपको बताया था कि जो प्लेट होता है उसका जो एरिया है अपन लोग ए मान के चलते हैं, तो ये अपने पास आ गया। अब क्या करेंगे, इस सिग्मा को उठा के यहाँ कर देंगे फुट, तो उससे ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी एक, तो अपना जो ई नॉट है वो आ जाएगा क्यू डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ये काम का है, इसको यूज करेंगे आगे। तो इसको एक डब्बे में डाल देते हैं। अभी ये कहानी थी जब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट नहीं किया गया। अब हमने क्या करा, कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करवाया जिसकी थिकनेस थी टी। तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि ये जो डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट वो होता है छोटा डी, जैसा कि लास्ट टाइम हमने करी थी डेरिवेशन, तो वहां भी हमने यही लेट किया हुआ था छोटा डी। इसके बाद हमने इसमें एक स्लैब इंट्रोड्यूस करवाया, और स्लैब जो है उसकी थिकनेस है टी, इसको हटा देते हैं। ये थिकनेस अपनी टी है, पूरा है जितनी प्लेट है उतना इसका एरिया है, तो थोड़ा छोटा बनाया मैंने, बट आप ये मान के चलना पूरा बना ही देता हूँ, फिर बाद में कंफ्यूज होगे। ये पूरा है जितना कैपेसिटर है उतना ही है। तो इसके अंदर जो फील्ड है हमने अभी देखा, इसके अंदर जो फील्ड है वो होती है E नॉट माइनस ई पी, इसकी थिकनेस जो है वो टी है अपनी, तो मैं यहाँ बना देता हूँ। ये जो है टी थिकनेस का है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी अभी भी ई नॉट है, इधर भी ई नॉट है, और इसके अंदर फील्ड है अपनी ई नॉट माइनस ई पी। तो आप याद करो तो जब हम कैपेसिटर की डेरिवेशन करते हैं तो हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट, और उसको हम मान के चलते हैं वी। वहीं से जो अपना सारा गेम स्टार्ट होता है डेरिवेशन का। तो अब जो है मैं वापस प्लेट 1 और प्लेट 2
इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन लिखूंगा, तो मैं यहां पे लिखता हूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट वन एंड सेकेंड। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, बस यही मेन स्टेप है इस डेरिवेशन का। ये समझ आ गया तो डेरिवेशन खत्म। पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी होता है अपना, इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमने थोड़ा टाइम पहले पढ़ा था, वी होता है ई इंटू डी, है ना। तो इसी को यूज करेंगे हम यहाँ भी। देखो आप ये देखो, ये जो टी थिकनेस है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ई नॉट माइनस ई पी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर अपनी ई नॉट माइनस ई पी इंटू में टी प्लस, ये टी थिकनेस अगर आप हटा दो तो बाकी बचे हुए स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। तो ये अपना हो जाएगा ई नॉट, बाकी स्पेस कितना बचेगा अपना डी माइनस टी, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट जो था वो डी था, जिसमें से हमने टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक लगाया था उसको हटा दिया है, उसकी थिकनेस हमने अलग से यहाँ पे ले लिया वैल्यू और बाकी बची हुई की वैल्यू यहाँ पे ले लिया। तो होप आप लोगों को ये समझ आया होगा कि मैंने ये कैसे लिखा है, जिसको नहीं आया पूछ सकता है मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी देखो हमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन लिखना है प्लेट वन और प्लेट टू के बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपना वी है प्लेट वन और प्लेट टू के बीच में। फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ ये वाला, वी जो है अपना ई इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो अलग अलग है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर अलग इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, डाइलेक्ट्रिक के बाहर अलग इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है। तो हम दोनों के लिए अलग अलग लिखेंगे एक्सप्रेशन और सम कर देंगे। ये मैंने लिखा है अपना डाई इलेक्ट्रिक के लिए। देखो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E नॉट माइनस ई पी, और डाई इलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है T। तो ये T डिस्टेंस तक ही तो है, देन डाई इलेक्ट्रिक से बाहर आ जाओ, फील्ड कितनी है E नॉट, डिस्टेंस कितना है, और पूरा डिस्टेंस जो था वो डी था, और डी में से आपने डाइलेक्ट्रिक वाला डिस्टेंस हटा देना है, तो बचा कितना डी माइनस टी। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ई नॉट, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करता जा रहा हूँ बस मैं। अब देखो हुआ कुछ क्लियर ये तनिषा? नहीं, पोटेंशियल 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 स्केलर सिंपल ऐड करोगे आप। अगर ये वेक्टर भी होता तो फिर मैं वेक्टर सम लेता डायरेक्शन बना के, बट क्योंकि स्केलर है तो सीधा ऐड होती है। इसके बाद देखो अगर ये समझ आया तो अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेके आना है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अज्यूम कर लेता हूँ मैं, जो कि हम हर बार करते ही हैं, जिसकी वैल्यू हमें गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर। तो अभी हमने ये पढ़ा, इसको जो है बॉक्स में पैक कर देते हैं। हाँ हाँ, वो डी क्या होता है इसके बीच में, जिन दो पॉइंट के बीच में, नहीं 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 दोनों प्लेट के बीच का नहीं होता वो डी, वो होता है जिन दो पॉइंट के बीच में आप देख रहे हो ए और बी के बीच का डिस्टेंस होता है डी। तो यहाँ कंफ्यूज मत हो उससे, तो यहाँ प्लेट के बीच का डिस्टेंस दिया है, हैं? हाँ हाँ वो हाँ हाँ, यहाँ पे जो डी होता है ना वो होता है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो पूरे प्लेटों के बीच का डिस्टेंस डी है, पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है इतने रीजन के अंदर, डिस्टेंस कितना है टी, फील्ड कितनी है ई नॉट माइनस ई पी, देन बचा हुआ जो है वो डिस्टेंस कितना हुआ डी माइनस टी, और वहां पे फील्ड कितनी है ई नॉट, तो लिखा है एक्सप्रेशन। इसे कंफ्यूज मत हो, डी से ना इसको डिस्टेंस लिख लो ज्यादा अगर कंफ्यूजन होती है, या डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी लिख लो, वैसे भी लिख सकते हो।
अब देखो यहाँ आते हैं वापस, तो मैं यहाँ पे था, मेरा ये कहना था कि हमें यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें वो गिवन होता है, ये चीज नहीं गिवन होती अपने को, ईपी की वैल्यू नहीं गिवन होती। ईपी गिवन होता तो हम यहीं से जो है इसको क्रियाक्रम कर देते इस डेरिवेशन का, थोड़ा सा मॉडिफाई करके। बट अभी जो है हमें इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना पड़ेगा। देखो हम ये बात जानते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, जो अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो होता है के इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई नॉट माइनस ई पी। अभी हमने देखा ये वाला फॉर्मूला, तो यहाँ से ई नॉट माइनस ई पी की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, तो वो अपना आ जाएगा ई नॉट माइनस ई पी इज इक्वल्स टू ई नॉट डिवाइडेड बाय के। अब ये बड़ी काम की चीज है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस ई नॉट माइनस ई पी की वैल्यू ऊपर पुट कर देंगे, ये वैल्यू जो है यहाँ पुट कर दोगे आप ई नॉट माइनस ई पी की। अब मैं ये डायग्राम हटा देता हूँ, जिसको आपको यूज है नहीं इसको ड्रॉ कर लो, या तो या कर ही लिया है तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि बस इसका इतना यूज था, ये एक्सप्रेशन ही समझाना था मेरे को डायग्राम से। इसके बाद देखो इसको थोड़ा करते जरा डेरिवेशन को, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद देखो जो एक्सप्रेशन आएगा अपना उसको समझते हैं। तो अपना v आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय के इंटू टी, सिंपल पुट कराए, प्लस ई नॉट डी माइनस टी। दोनों में ई नॉट जो है वो कॉमन है, कॉमन जो इसको बाहर निकाल देंगे, तो वी हो जाएगा अपना ई नॉट ब्रैकेट में टी वाई के प्लस डी माइनस टी। अब क्या करेंगे, ये जो ई नॉट हमने निकाला था पहले, इसकी बारी अब आएगी, इसको उठा के यहां जो है पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद देखो अपना जो वी है वो आ जाएगा क्यू ए एप्सिलॉन नॉट टी बाय के प्लस डी माइनस टी। अब क्योंकि हम जानते हैं दुनिया के जितने भी कैपेसिटर होते हैं वो एक इक्वेशन को फॉलो करते हैं, तो यहां लिखेंगे वी नो दैट, जो आपका क्यू होता है वो होता है सी वी, या फिर आप बोल सकते हैं जो सी होता है वो होता है क्यू बाय वी। तो मैं यहां से भी क्यू बाय वी की वैल्यू निकालूंगा और क्यू बाय वी को जो है मैं सी से इक्वेट करवा दूंगा, खत्म, मेरा आंसर आ गया। तो हम देखो इस इक्वेशन को यहाँ पे क्या करो, आप इसको कंपेयर करवाने के लिए आप जो है वी को नीचे ले आओ और इस पूरे को ले जाओ उधर, जब पूरे को उधर लेके जाएंगे तो इधर तो क्यू बाई वी आ जाएगा, इधर ए एप्सिलॉन नॉट जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा और ये पूरी की पूरी रामायण जो इसके अपॉन में आ जाएगी, टी बाय के प्लस डी माइनस डी। हम इस वाली इक्वेशन से क्यू बाय वी को जो है लिख सकते हैं सी, तो यहाँ पे अगर हम सी लिख देते हैं, सी इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय टी बाय के प्लस डी माइनस टी, तो ये आ गई अपनी कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस कब है, जब आपने कैपेसिटर के अंदर एक टी थिकनेस का डाई इलेक्ट्रिक जो है वो इंसर्ट किया हुआ है। तीन नंबर में डेरिवेशन आती है, देन अगेन मैं कहूँगा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि 4-5 साल पहले आई थी ये, तो उसके बाद से नहीं आई है, उसके बाद से अभी तक नहीं आई है। डेरिवेशन आएंगी नहीं, एक डेरिवेशन आई थी इस साल जो है ना, तो डेरिवेशन पे जो है भरोसा करके मत जाना, बोर्ड कम करता जा रहा है डेरिवेशन दिन पे दिन।
न्यूमेरिकल आते हैं। हाँ कोई बात नहीं, इसको नोट करो। हाँ। अब इसमें जो है कुछ केसेस देखेंगे, इसको लिख लो इतना, ये फाइनल एक्सप्रेशन है। कुछ केसेस जो है वो और देखते हैं एक बारी, उसके बाद आगे चलेंगे। हाँ बोलो। बोलो पाजी, क्या कह रहे हो? अच्छा कोई और होगा फिर। हाँ बताओ यार, क्या सीन हो गया तुम्हारे साथ? तो कैपेसिटी लिखा होता है तो उसका तो हाँ, तो झटका तो मारेगा ही यार, वो उसके अंदर चार्ज स्टोर्ड होता है, तो अगर आप उसको टच करते हो तो वो आपके थ्रू जो है अर्थ में जाएगा, चार्ज चार्ज अर्थ में जाएगा, तो झटका तो लगना स्वाभाविक ही है। हाँ तो इसको नोट कर लो, देन देखो आगे चलते हैं। क्वेश्चन ज्यादा आते हैं भैया, बोर्ड नहीं आती, आती ही नहीं, एक दो नंबर बस, एक आई थी इस साल बस, 3 नंबर की। हाँ वो बोर्ड कम ही करता जा रहा है, पिछले साल 3 डेरिवेशन थी, इस साल 1 डेरिवेशन है। अब मुझे लगता है इस साल जो है अब वो एक भी नहीं देगा। वैसे भी जो है आपका जो बोर्ड है ना, वो एंट्रेंस वाला पैटर्न अडॉप्ट करता जा रहा है, मतलब आपको एमसीक्यू देगा ज्यादातर, एमसीक्यू को क्वेश्चन की उसमें रूप में फ्रेम करके देगा, बट वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आपको ब्रेन यूज करना पड़ेगा, मतलब सोचना ही पड़ेगा, आप सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर नहीं निकाल सकते। सही कर रहा है एक तरीके से बोर्ड ना, वो ये चाहता है कि जो बच्चे हैं कि जो बच्चे हैं वो पढ़ना स्टार्ट कर दें, बोर्ड भी यही चाहता है, तो ठीक है। अभी तुम्हें पता है मैथ का एक कोर्स और इंट्रोड्यूस किया गया है तुम लोगों के लिए, बट तुमने लिया नहीं होगा, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स करके है कोई, बड़ा ही जबरदस्त कोर्स इंट्रोड्यूस करा है वो, जिन 11 12 दोनों में हुआ है इंट्रोड्यूस, वो आप ले सकते हो यार, वो स्कूल वालों की मर्जी है तुम्हारी। जिनको डेटा साइंटिस्ट बनना है ना, उनके लिए वो 1 नंबर का कोर्स है, मतलब पूरी डेटा साइंस वाली मैथमेटिक्स है उसके अंदर। अब तो अपने स्कूल वालों से बात कर लेना। मैथमेटिक्स करके है यार, पूरा एग्जैक्ट नाम नहीं पता मेरे को, बट वो है डेटा साइंस का, उसके अंदर कोर्स जबरदस्त है कोर्स जो है ना उसका। हाँ वो बात अलग है, देखो कि स्कूल वाले जो है वो नहीं पढ़ाएंगे, नहीं वो अलग है बिल्कुल, वो मतलब वो मैथ है जो यूज होती है आज के टाइम में, बिल्कुल होगी यार, डेटा साइंटिस्ट ही पढ़ाएगा वो आपको, जिसने डेटा साइंस कर रखी हो। अपने ऊपर है यार, वो लेना चाहो तो ले सकते, मैं तो ये कह रहा हूँ बढ़िया है और रियल लाइफ से रिलेटेड है पूरा, आपको वहां ये पता लगेगा कि मैथमेटिक्स की हेल्प से रियल लाइफ की प्रॉब्लम को कैसे मॉडल बनाया जाता है और उसको सॉल्व करा जाता है। अभी आप देखते होगे ना कि वो दिखाते हैं कोरोना के केस जो है 15 दिन में डबल हो रहे हैं, 30 दिन में डबल हो रहे हैं, या एस्टिमेट करते हैं कि 31 तारीख तक इतने केस हो जाएंगे के इक्वल हो जाएगा, और वैल्यू निकालोगे और प्रूफ करके बता दोगे कि ये सीन है।
तो ये डेरिवेशन थी अपनी पूरी, जो 3 नंबर में आती है। इसके बाद जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उस पर जो है न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, 3 3 नंबर के, मतलब 2013 से लेके 2018 लगातार न्यूमेरिकल आया उस टॉपिक पे। 19 में नहीं आया, 20 में भी नहीं आया, अब 21 में देखो आता है कि नहीं आता है, लेकिन टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग वो, तो देखते हैं। देखो किसी भी कैपेसिटर के केस में 5 चीजें होती है जो हमें पढ़ना या फिर उसके बारे में जानना काफी जरूरी होता है, तो मैं 5 चीजें लिखता हूँ, कौन कौन सी 5 चीजें हैं किसी भी कैपेसिटर के बारे में, और उन्हीं पे क्वेश्चन आता है वो। सबसे पहली जो चीज है उसकी वो होती है चार्ज, जिसके ऊपर चार्ज कितना है, चार्ज यानी कि क्यू। दूसरी बात है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है कैपेसिटर के अंदर, यानी कि अपनी ई। तीसरी बात है अपनी उसके प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यानी कि वी। और चौथी चीज है अपनी उसकी एनर्जी, उसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर्ड है। यानी कि U, हाँ यही 4 चीज है अपने पास, Q, E, U, V। इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन का मैं जो कैटेगरी है वो बताता हूँ आपको, NCERT में नहीं मिलेगा वो, लेकिन बोर्ड में आता है, तो बताता हूँ आपको वो क्या सीन होता है उसके अंदर, और आपको जो है वो कैसे करना है। इसमें जो है एक अपनी कैपेसिटेंस को भी ऐड कर ही लो, वो तो खैर हमने देख चुके हैं, बट कर लेते हैं ऐड कैपेसिटेंस को भी, यानी कि सी। तो देखो मैं क्या बताता हूँ, केस समझना, केस क्या देता है आपको वो, सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है टॉपिक, बट देता है पेपर के अंदर। ये बहुत ही ना बेकार बात है CBSE की, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है बट बोर्ड में आते हैं, तो वो आपसे कहेगा क्या चीज। 2020 है यार वो तारीख है ना आज की, ज्यादा पढ़ लिए तुम लाला, चलो इधर आ जाओ वापस। वो ये कहेगा कि अपने पास एक कैपेसिटर है, इससे कनेक्ट करी हुई है बैटरी, तो बैटरी जो है उसका पोटेंशियल डिफरेंस है वी, तो ये अपना पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। कैपेसिटेंस की कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है सी, एनर्जी स्टोर हो रही थी उसके अंदर यू, पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस था उसके बीच में वी, क्योंकि बैटरी का भी वी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर ई थी, चार्ज इसने क्यू जो है वो स्टोर करवाया हुआ था, ये बात आपको बताएगा। मतलब ये जो मैंने 5 चीजें लिखी है, तो ये पहले आपको एक पैराग्राफ देख के समझाएगा कि कोई कैपेसिटर है जिसके प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी है, चार्ज उसने क्यू स्टोर किया हुआ है, और एनर्जी उसके अंदर यू है स्टोर्ड, और उसकी कैपेसिटेंस सी है। देन आपसे क्या बोलेगा, 2 केस बनाता है वो। केस नंबर पहला आपसे कहेगा कि जो आपने बैटरी हटा दी है यहाँ से, अभी इसके बीच में वी था पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी हट चुकी है। बैटरी हटाने के बाद आप इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो इसमें क्या केस अपना, ये बैटरी जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुकी है, तो 2 केस बनते हैं, बैटरी डिस्कनेक्टेड और बैटरी कनेक्टेड। तो पहला केस देखते हैं बैटरी डिस्कनेक्टेड, हमने बैटरी हटा दी है, उसके बाद जो है इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया गया है, जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, मतलब पूरे कैपेसिटर को हमने भर दिया है डाइलेक्ट्रिक से, जिसका कांस्टेंट के है। तो आपसे बोलेगा इन 5 चीजों पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा आप ये बताएं, या फिर आपको न्यूमेरिकल की फॉर्म में दे देगा,
और बोलेगा कि स्टार्टिंग में ये था तो फाइनल बता दो, वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखो तरीका क्या रहने वाला है आपका, बैटरी आपने हटा दी है ठीक है, सबसे पहले कैपेसिटेंस को पकड़ो। बैटरी कनेक्ट हो या ना कनेक्ट हो कैपेसिटेंस को कोई मतलब नहीं है। जब भी आप कैपेसिटर को किसी डाइलेक्ट्रिक से फिल करते हो तो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो के टाइम्स बढ़ जाती है। अभी हमने देखा भले ही बैटरी कनेक्ट हो या ना कनेक्ट हो उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है बेसिकली, तो ये फिक्स है बात। तो कैपेसिटेंस जो है इसको मैं न्यू लिख लेता हूँ, सी न्यू जो है वो रहेगा आपका के टाइम्स सी ओल्ड, जो पहले था उसका जो है वो के टाइम्स हो जाएगा, इसको भी हम डेरिवेशन से देख चुके हैं। सेकंड बात जो है अपनी, क्योंकि बैटरी आपने हटाई हुई है, बैटरी का काम होता है चार्ज सप्लाई करना। देखो डाइलेक्ट्रिक आपने इंसर्ट करा अच्छी बात है, लेकिन आप बैटरी हटा चुके हो उससे पहले, इसका मतलब कोई भी नया चार्ज जो है कैपेसिटर को सप्लाई नहीं हो रहा है। अगर बैटरी कनेक्ट होती तो चार्ज सप्लाई होता, और चार्ज सप्लाई होता तो चार्ज बढ़ जाता, लेकिन अभी बैटरी हट चुकी है तो चार्ज जितना पहले था अभी भी उतना ही रहेगा, क्योंकि चार्ज सप्लाई करने वाला ही हट चुका है। हालांकि इसकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है लेकिन चार्ज भी तो होना चाहिए। ये ऐसा ही है कि हमें 10 रोटी की भूख है लेकिन मिली 5 रही है, तो हम क्या करेंगे, 5 ही खाएंगे। तो यहाँ पे जो चार्ज है अपना न्यू वाला जो चार्ज होगा अब वो पुराने के इक्वल होगा, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप बैटरी हटा चुके हो। थर्ड केस जो है अपना, अब आ जाएंगे अपन पोटेंशियल पे जरा। तो देखो मैंने बताया भाई दुनिया जहान के जो कैपेसिटर है वो एक इक्वेशन को फॉलो जरूर करते हैं, क्यू इज इक्वल्स टू सी वी। आप यहाँ पे क्यू जो नया वाला क्यू है वो पुराने वाले के इक्वल ही है, तो यहाँ पे मैं क्यू अगर मैं न्यू भी लिखता हूँ तो मैं उसको लिख सकता हूँ क्यू ओल्ड। और पहले मैं एक इक्वेशन बना लेता हूँ ओल्ड की टर्म में, अब फिर न्यू की टर्म में बनाता हूँ, आसान होगी आपको समझने में। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ क्यू ओल्ड इज इक्वल टू सी ओल्ड वी ओल्ड, यहाँ से वी ओल्ड निकालता हूँ, जो पहले भी था अब वो हो जाएगा क्यू ओल्ड डिवाइडेड बाय सी ओल्ड। तो इस चीज का मैं यूज करूंगा आगे। अब मैं नए वाले के लिए इक्वेशन लिखता हूँ, तो क्यू न्यू इज इक्वल्स टू सी न्यू वी न्यू। जो क्यू है क्या नया क्या पुराना दोनों भाई भाई, तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू ओल्ड सी न्यू क्या हो चुका है के टाइम्स सी ओल्ड, लिख दो यहाँ पे के टाइम्स सी ओल्ड, और हमें क्या निकालना है वी न्यू। वी न्यू की वैल्यू निकालते हैं, वी न्यू इज इक्वल्स टू इस पूरे को नीचे ले जाओ क्यू ओल्ड डिवाइडेड बाय के सी ओल्ड। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या आई कि ये जो है आपका देखो क्या होता है, ये होता है आपका ये रहा वी ओल्ड, इसका मतलब आपका क्या हुआ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस था प्लेटों के बीच का वो 1/k टाइम्स हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया है इसकी वजह से, तो वी न्यू है। अगर मान लो बैटरी कनेक्टेड रहती डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद भी तो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि बैटरी चार्ज सप्लाई कर देती उतना पोटेंशियल डिफरेंस वापस मेंटेन हो जाता, लेकिन क्योंकि आप बैटरी हटा चुके हो तो जो पोटेंशियल अब वो गिरेगा, और कैसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा वी ओल्ड बाय के। तो ये पोटेंशियल की बात हो गई। कौन इसके बाद देखो हम बात करेंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो मैं इसको हटा देता हूँ ऊपर से क्योंकि अगेन मैं इक्वेशन बना के आपको शो करूंगा। वैसे तो अपने दिमाग के अंदर बात आनी चाहिए कि जब पोटेंशियल चेंज हुआ है तो ऑब्वियस इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी। हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन जानते हैं, जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है याद हो आपको नेगेटिव वी बाय आर,
तो यहाँ पे जो नेगेटिव है वो तो अपने को वो हेल्प करता है कि डिक्रीज होता है पोटेंशियल वो सब बताने में। तो कैपेसिटर के मैं लिख सकता हूँ वी बाई डी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी था प्लेटों के बीच में और प्लेटों के बीच का डिस्टेंस डी था, तो मैं ई को ऐसे भी लिख सकता हूँ वी बाई डी। तो यहाँ पे देखो हम लिखेंगे, इक्वेशन बनाते हैं पुरानी पहले, उसको फोर्थ नंबर दे देते हैं। ई ओल्ड इज इक्वल्स टू वी ओल्ड डिवाइडेड बाय डी। आप प्लेटों का जो डिस्टेंस है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, लेकिन अब जब मैं लिखता हूँ न्यू के लिए, तो ई न्यू इज इक्वल्स टू वी न्यू, और डी तो वही है बेचारा, पहले भी वही था अभी भी वही है। अब वी न्यू को ये पुट कर देते हैं, तो ई न्यू जो अपना है वो हो जाएगा वी ओल्ड डिवाइडेड बाय के डी। यहाँ पे जो है अगेन हम इस चीज को लिख देंगे वी ई ओल्ड, तो अपना जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगी E old divided by K। अगेन ये क्यों हुआ है, क्योंकि बैटरी हट चुकी है। अगर बैटरी कनेक्ट रहती डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं होती आपकी, क्योंकि पोटेंशियल चेंज नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं होती। पोटेंशियल क्यों नहीं चेंज होता, क्योंकि आपका चार्ज जो है वो चेंज हो जाता, मतलब बैटरी जो है वो आपको और चार्ज सप्लाई करवा देती ताकि पोटेंशियल जो है वो चेंज ना हो। देन बात करेंगे अपनी एनर्जी स्टोर्ड की, तो अब एनर्जी की और बात कर लेते हैं। इसके लिए भी जो अपन इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन से जो है निकालेंगे बात को कि एनर्जी पे जो है वो कैसा प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पे पहले मैं पुरानी के लिए इक्वेशन बनाता हूँ, यू ओल्ड इज इक्वल्स टू फॉर्मूला देखो ये वाला लगाते हैं अपन, क्यू स्क्वायर बाय टू सी, क्यू ओल्ड स्क्वायर डिवाइड बाय टू सी ओल्ड। इसे समझना आसान होगा, बाकी इच्छा आपकी, आप तीन फॉर्मूले में से कोई भी लगा सकते हो, तीनों से आंसर आ जाएगा। अब मैं लिखता हूँ यू न्यू इज इक्वल्स टू क्यू न्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू सी न्यू। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं, क्यू तो जो है वो न्यू वाला जो है वो ओल्ड के बराबर ही है, तो यहाँ लिखेंगे यू न्यू इज इक्वल्स टू क्यू ओल्ड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू सी जो है अपना न्यू जो है वो देख लो के टाइम्स हो चुका है, तो यहाँ लिख देंगे के सी ओल्ड। इस चीज को हम इस तरीके से लिख लेंगे, u new is equals to 1 by k q old का square divided by 2 c old। अब ये जो है ये वाली चीज आपकी बन जाएगी पुरानी पोटेंशियल एनर्जी u old। तो जो u new है वो अपनी आ गई u old डिवाइडेड बाय के। पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो गई, होनी भी चाहिए, क्योंकि जो कैपेसिटर है वो एनर्जी को स्टोर करवाता है इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है तो आपका ऑब्वियस है एनर्जी जो स्टोर्ड हो रही है वो भी कम होगी। अगर आपकी बैटरी देखो कनेक्टेड रहती है तो जो कहानी है वो डिफरेंट हो जाती है, और जब बैटरी हटा देते हो तो कहानी डिफरेंट हो जाती है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये जो है पहले केस नोट कर लो, उसके बाद हम देखते हैं बैटरी कनेक्टेड वाला, उसमें जो चीजें हैं वो चेंज हो जाएंगी अपनी। और ये इम्पोर्टेंट है, पूछेगा नहीं बट इनके बेस जो न्यूमेरिकल आते हैं वो देखेंगे किस टाइप का आता है न्यूमेरिकल भी। पूरा कोई नहीं, लिख लो इसको, करता हूँ रिपीट भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब
बारे लिख लो, वजन करता हूं मैं रिपीट। राजपूत सर यार, तुम्हारे उधर नहीं है कोई बच्चे इनको ट्यूशन लेना हो, दोस्त वोस्त हो? वो तो यार बंदे, तो उसमें क्या फिगर है? उसमें तो सिंपल कैपेसिटर बना लो और बैटरी बना लो साथ में बस। वही राजपूत सर आपका हो कोई राइजिंग स्टार है? ये लिख, ठीक ठीक ये लिख लिया क्या? करूँ एक्सप्लेन? तो देखो आप ये समझना, सबसे पहले बैटरी का जो काम होता है वो क्या होता है? वो होता है चार्ज सप्लाई करना और पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट मेंटेन रखना। तो वो आपसे पहले बोलेगा, पूरी रामायण बताएगा कि कैपेसिटर था जिस पे चार्ज क्यू था, कैपेसिटेंस सी थी, वोल्टेज वी थी, एनर्जी स्टोर्ड यू थी और इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी, वो सब बताएगा आपको। अब फिर क्या कहेगा बड़े ही प्यार से कि आपने बैटरी को हटा दिया और हटाने के बाद आपने इसके अंदर एक मीडियम फिल कर दिया जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। तो आप बताइए पांचों चीजें किस तरीके से चेंज होंगी। सबसे पहले आपने कैपेसिटेंस को पकड़ना है। कैपेसिटेंस का क्या है? ये जो है अपना डिपेंड करता है मीडियम पे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मीडियम चेंज होता है तो कैपेसिटेंस चेंज होता ही होता है। अभी हमने फॉर्मूले से भी देखा कि अगर आप कैपेसिटर को फिल कर देते हो किसी मीडियम से तो उसकी कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाती है, उसको कतई फर्क नहीं पड़ता कि बैटरी कनेक्ट है कि नहीं है। ये ऐसा है कि उसकी चार्ज स्टोर करने की क्षमता बढ़ गई है, बैटरी कनेक्ट हो या ना हो। ये ऐसा समझ सकते हो कि पहले जैसे हम दो रोटी खाते थे, वाहियात एग्जाम्पल पर समझ सकते हो, दो रोटी खाते थे हम और हमें दो रोटी मिलती थी, फिर क्या हुआ हमारी रोटी खाने की कैपेबिलिटी बढ़ गई, लेकिन अभी भी मिल दो ही रोटी रही है ना। तो वो ये तरीका है कि कैपेबिलिटी बढ़ गई है कैपेसिटर की, अगर आप इसे और चार्ज दोगे तो स्टोर करवा लेगा, लेकिन चार्ज मिलना भी तो चाहिए, ये बड़ी बात है। तो देखो चार्ज देना किसका काम था? वो काम था बैटरी का। बैटरी आपने हटा दिया यहाँ से, मतलब मेरी पांच रोटी खाने की क्षमता हो गई है, लेकिन मेरे को मिल अभी भी दो ही रोटी रही है, लेकिन मैं पांच खा सकता हूँ, लेकिन पांच मिलेंगी तो खाऊंगा ना, क्योंकि बैटरी तो हट गई। अभी कितना मिल रहा है अपने को? जो पहले चार्ज था वही अब मिलेगा, क्योंकि बैटरी आपने उड़ा दी है। बैटरी अगर लगी रहती तो ये चार्ज जरूर चेंज होता, क्योंकि कैपेसिटर की क्षमता बढ़ चुकी है तो वो ज्यादा चार्ज को होल्ड करता, लेकिन बैटरी हटी गई है। अब उसकी क्षमता बढ़ने से क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि चार्ज तो उसे उतना ही मिलना है बेचारे को। तो क्यू जो है वो आपका सेम रहेगा। इसके बाद पोटेंशियल के लिए आपने फॉर्मूला यूज करना है, माइक्रोफोन बंद कर लो। क्यू इज, हाँ बोलो, नहीं जो पहले था वही वाला रहेगा उसके पास, पहले वो था बताया गया कि उसके पास क्यू था पहले, तो अभी भी क्यू ही रहेगा बेचारे के पास। अगर बैटरी लगी होती तो बढ़ जाता, क्यों बढ़ जाता? अब क्योंकि उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है, लेकिन कैपेसिटी तो बढ़ गई है पर बैटरी हट गई है, तो जो चार्ज पहले था अब वही अब रहेगा उसके पास। जब बैटरी लगी रहेगी ना तो हम देखेंगे ये चेंज होता है, कैसे होता है वो भी देखेंगे, टेंशन ना लो। उसके बाद हमने क्या करना है, पोटेंशियल को देखना है। तो पोटेंशियल के लिए आप फॉर्मूला यूज करें, क्यू इज इक्वल्स टू सी वी। समझने के लिए मैं पहले ओल्ड की टर्म में लिखता हूँ, यानी कि पुरानी बात, जब बैटरी लगी हुई थी तो राम कहानी ये थी, जो मेरा वी ओल्ड था वो इक्वल था क्यू ओल्ड डिवाइडेड बाय सी ओल्ड के।
बट जैसे ही मैंने बैटरी हटा दी, डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, कहानी चेंज। मैंने उसको न्यू की टर्म में लिख दिया, तो क्यू न्यू इज इक्वल्स टू सी न्यू इज इन टू वी न्यू। सेम यही फॉर्मूला है, बस न्यू न्यू कर दिया मैंने और कुछ नहीं करा। क्यू न्यू जो है वो क्यू ओल्ड के बराबर है, पुट कर दिया, सिंपल है। सी न्यू जो है वो के टाइम्स सी ओल्ड के बराबर है, पुट कर दिया, कुछ नहीं करा। वी न्यू मेरे को मालूम नहीं। यहाँ से मैंने क्या करा, वी न्यू को निकालना चाहा, के इंटू सी ओल्ड जो है वो डिवाइड में आ गया यहाँ पे। अब डिवाइड में आ गया तो क्यू ओल्ड डिवाइडेड बाय सी ओल्ड, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये रही, देखो वी ओल्ड क्यू ओल्ड बाय सी ओल्ड, तो मैंने इसको लिख दिया वी ओल्ड डिवाइडेड बाय के। तो मेरे को ये समझ आ गया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो गया। क्यों कम हुआ है, क्योंकि आपने बैटरी हटा दी है। पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट मेंटेन करना बैटरी का काम होता है, पर बैटरी हट चुकी है और आप उसके अंदर नई मीडियम और इंसर्ट कर रहे हो, तो कहानी चेंज होगी होगी। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अपनी फॉर्मूला याद हो आपको रिलेशन वाला, तो वी डिवाइडेड बाय आर, आर होता है उन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अभी कैपेसिटर की बात हो रही है तो उसमें दो प्लेट होती है, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है अपना, डी होता है, तो यहाँ पे डी लिख दिया। तो मैंने फिर फॉर्मूला लिखा पहले ओल्ड के लिए, ई ओल्ड क्या होगा, वी ओल्ड डिवाइडेड बाय डी। डी ओल्ड और न्यू तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि कैपेसिटर को हम ऐसे खींच नहीं रहे, उसकी डायमेंशन को चेंज नहीं कर रहे, तो डी डी ही रहेगा। अब मैंने न्यू की टर्म में लिखा ये ई न्यू इज इक्वल टू वी न्यू डिवाइड बाय डी। वी न्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी ओल्ड बाय के, यहाँ से मैंने लिख दिया वी ओल्ड बाय के, डी डी था मेरा। वी ओल्ड बाय के को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई ओल्ड, देखो मेरा ई ओल्ड मेरा। तो मुझे पता लगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कम हो गई, कम होनी थी भाई, पोटेंशियल कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगी, ऑब्वियस है। देन बात आई अपनी एनर्जी की, तो एनर्जी के तीन फॉर्मूले लिखे थे, आप किसी भी फॉर्मूले से देख सकते हो, इससे क्या है सबसे आसान पड़ता है देखना। बाकी आप हाफ सी वी स्क्वायर से भी देख सकते हो, हाफ क्यू वी से भी देख सकते हो, बट ये वाला फॉर्मूला इसलिए यूज करा है ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए। पहले मैंने ओल्ड के लिए लिखा क्यू स्क्वायर बाय टू सी को, फिर मैंने न्यू के लिए लिखा, तो देखो क्यू न्यू क्यू ओल्ड